हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पहला एग्जांपल देखते हैं, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब दो यहाँ पे पर्सन है, जॉन और जीवंती, उनके पास मिलके कितने टुगेदर एक साथ कितने कंचे उनके पास 45। ठीक, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों ने 5 कंचे खो दिए, इस जॉन ने भी और जीवंती ने भी। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ, अब जब खो गया उसके बाद नाउ उनके पास उनके कंचों का प्रोडक्ट कितना है 124। तो कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल, बताने कितने मार्बल थे उनके पास स्टार्टिंग में। तो हम लेट कर लेंगे, लेट किसी एक के मानते हैं जॉन के, लेट जॉन हैड नंबर ऑफ मार्बल्स, उसके पास कितने मार्बल है लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं उसके पास एक्स कंचे थे, कितने थे एक्स। तो ऐसे ही हमें जॉन के अगर मैंने एक्स माने हैं तो देखो एक बार बताओ जीवंती के कितने होंगे, जीवंती हैड नंबर ऑफ मार्बल्स। अगर देखो जॉन और जीवंती के दोनों के मिला के कितने हैं 45। अगर जॉन के मैंने एक्स माने तो जीवंती कितने बचेंगे 45, ये एक्स उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, कितने होंगे 45 माइनस एक्स, दोनों के मिला के 45 है। ठीक, तो माइनस कर देंगे। अब उसने बोला है दोनों ने कंचे खो दिए, दोनों ने लॉस्ट कर दिए, तो नाउ अब उनके पास नाउ आफ्टर खोने के बाद उनके पास कितने कंचे हैं, फिर से वही लिखेंगे नाउ जॉन हैड मार्बल्स, कितने आएंगे 5 कम नहीं हो जाएंगे। अगर मान लो तुमने 5 कंचे खो दिए, तुम्हारे पास जितने भी थे उसमें से 5 कम हो गए, तो 5 माइनस हो गया किसके पास, जॉन के पास। और ऐसे ही जीवंती के पास भी क्या होगा, जीवंती के पास भी मार्बल्स क्या होंगे, पहले 45 माइनस एक्स थे, अब कितने होंगे 45 माइनस एक्स और माइनस 5 और, इसमें से 5 माइनस हो जाएगा। तो जीवंती के पास कितने बचे, जीवंती के पास बचे 45 में से 5 गए, तो देखो ये 45 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 40 माइनस एक्स, जीवंती के पास कितने बचे, बोलो। ठीक, मतलब जॉन के पास अब खोने के बाद कंचे एक्स माइनस 5 और जीवंती के पास 45 में से 5 गए तो 40 माइनस एक्स। अब इसने बोला लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल, उनके पास जितने मार्बल है उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके नाउ जो अब खोने के बाद वो कितना 124। यानी कि देखो जॉन के पास खोने के बाद कंचे इतने बचे और जीवंती के पास खोने के बाद कंचे, इन दोनों के मल्टीप्लाई कितना है 124। तो प्रोडक्ट लिख दो यहाँ पे, प्रोडक्ट कितना 124, तो लिखो यहाँ पे उसके पास है एक्स माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स, जॉन के पास इतने खोने के बाद और जीवंती के पास इतने। अब इसे आपको सॉल्व करना है, इंटू करेंगे एक्स, एक्स की 40 में करेंगे तो क्या आएगा 40x, और एक्स की एक्स में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब सेम टर्म की या सेम वेरिएबल की इंटू होती है तो क्या होता है पावर प्लस होती है। 5 की 40 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 5 4 जाए 20, और 5 की एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। बोलो ठीक, अब थोड़ा सॉल्व करो, 40x और 5x कितने हो गए 45x नहीं हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और इसको इधर लिया माइनस का हो जाएगा। बोलो ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व करो, अभी माइनस माइनस प्लस 324। अब आप याद रखना जब भी आपकी क्वाड्रेटिक बन गया, जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो उसमें हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस रखना, या एक्स स्क्वायर वाले के साथ हमेशा प्लस का साइन होना चाहिए, तो हमारी मिस्टेक नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे में नेगेटिव से नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर दो मल्टीप्लाई, जैसे इंटू करोगे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो ये हो गया माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ये थोड़ा अरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर आगे लिख दो, उसको बीच लिख दो। बोलो ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, इसने फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड आउट भी करना है, इसे फाइंड भी करना है, तो कैसे करोगे, फिर से प्राइम फैक्टर वाला मेथड लगा देते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, क्वाड्रेटिक लगाओगे तो मुझे लेंथ ही लग रहा है, मैं तो वो लगा रहा हूँ। फिर फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है कि मल्टीपल, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो बन मानेंगे, और आपको फैक्टराइजेशन मेथड अगर नहीं आता तो मेरी इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में एक बार देख लेना, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी मैंने बता रखा है, इसमें अच्छे समझ में आ जाएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे वन की इसमें इंटू करेंगे तो सेम रहेगा, तो यानी कि आपको मल्टीप्लाई करके लाना कितना 324,
और इसके आगे वाला साइन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्लस, प्लस करके कितना लाना है, जो यहां पे होता है प्लस करके लाना है कितना 45। ठीक, तो फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें, तो हम मैं 324 का एलसीएम निकालता हूं, कितना आएगा, 2 से कट करो इसे, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 ये, 2 से फिर कटो 81, 2 से फिर कट करो 27, 2 से नहीं कट होगा, 2 से तो कट होगा नहीं, क्लीन करता हूं फिर करता हूं सही से फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, क्या क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, देखो क्या रूल है, आपको मल्टीप्लाई करके लाना है 324, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 324, लेकिन अब ये साइन देखो प्लस का है, प्लस करके लाना है कितना, प्लस करके लाना है 45। ठीक, तो आपको क्या करना है, दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर ऐसे ढूंढने कि अगर मैं उनकी इंटू करूं तो ये आ जाए, और उन्हीं नंबर को अगर मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो ये आ जाए 45। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम करते हैं इसी मल्टीप्लाई वाले नंबर का प्राइम फैक्टर्स करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, निकालो एलसीएम, 2 से कट कट करो, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 से फिर कट करो, फिर 3 से कट करो, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, एक बारी में। ठीक, अभी जो भी आया है 2 2 3 3 3 3, ठीक, इन्हें लिख लो यहाँ पे 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into, ये सब रफ चल रहा है, ये सारा काम क्या चल रहा है, रफ है ये। अब आपको पता क्या करना है, देखो इन सब की इंटू करोगे तो यही आएगा इंटू करके 324, क्योंकि उसी के फैक्टर्स हैं सारे के सारे, मगर इनसे कॉम्बिनेशन बना लो कि प्लस करे कितना आ जाए 45 आ जाए, तो कुछ सोचो बनाओ कुछ, अगर मैं इन सब की इंटू कर दूं, 2 4 4 12 12 3 36, और ये 3 3 9, अगर मैं इनकी इंटू करूंगा यही आएगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो 45 आ जाएगा, यानी कि आपको मिल गया 36 और 9 को ऐड करके तो क्या आएगा 45। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड में या फैक्टराइजेशन मेथड में ये बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में, वहां पे देखना। अब मैं यहां पे लिख देता हूं इसे, तो मैं क्या करूंगा यहां पे सुन लो, 45 को लिख दूंगा मैं क्या, 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 प्लस 324। अब क्या करेंगे, अब इधर से माइनस की इंटू होगी और इधर से एक्स की इंटू होगी, दोनों की होगी। देखो अगर आप माइनस की इंटू करोगे तो माइनस का 36 और प्लस माइनस की 9 में करेंगे तो माइनस का, और इधर से एक्स की भी तो इंटू होगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में है, तो 36 में एक्स करी 36x और 9 में करी 9x। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से एक्स कॉमन है, देखो ठीक, एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन है, एक्स गया और यहां से एक्स गया तो क्या बचा 36, इन दोनों में से क्या कॉमन है, अगर आपको समझ में ना आए क्या कॉमन लेना है, ठीक है, वैसे तो आपको समझ में ना आए तो क्या करना है, देखो सुनो, यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, मगर यहाँ फालतू का क्या है, नो, तो समझ जाओ कि 9 ही कॉमन लेना है, ठीक है, ये 9 पक्का इसमें भी आ रहा होगा, 9 इसके फैक्टर में, देखो देखो दिख जाएगा, 3 3 9, देखो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा, और वो भी देखो सुनो, प्लस का कॉमन ही लेना है, क्योंकि आपको चाहिए माइनस का, कैसा चाहिए माइनस का, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे ताकि ये कैसा आ जाए वाला, माइनस माइनस प्लस का आ जाए, देखो 9 गया क्या बचा x, प्लस माइनस माइनस आ जाए, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया है, ताकि ये दोनों ब्रैकेट क्या बन जाए, सेम बनने चाहिए ब्रैकेट हमेशा, ठीक, सेम बनेंगे तो आपने सही करा है, सेम नहीं बने तो आपने गलत करा है। अच्छा एक बात बताओ, जब 9 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो देखो 9 चला गया, गए दोनों 9, तो क्या बचा 3 3 9, 9 2 9 9 2 18 18 2 36, कितना बचेगा 36, और कभी आपको समझ में आए तो यहाँ क्या बचेगा, ये ब्रैकेट सेम बनना चाहिए, ठीक, यानी कि आपके, अब देखो सुनो, इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या कॉमन है, x माइनस 36 कॉमन है, तो क्या बचा, ये गया बाहर ये गया, तो क्या बचा x बचा और 9 बचा, बोले ठीक है, x माइनस 9 बचा। अब एक बात देखो सुनो, मैंने x किसको माना था, मैंने माना था x जॉन के पास, जो नंबर ऑफ मार्बल से, तो x मेरा 2 आया यहाँ पे, तो x आ गया 36, यानी कि जॉन के पास कितने कंचे थे 36, या फिर ऐसा हो सकता है अगर ये ना हुआ तो x, अगर यहाँ पे कितना आ रहा है x, यहाँ आ रहा है 9, तो जोन के पास क्या पता 9 कंचे हो, अगर जोन के पास 9 थे तो जीवंती, जीवंती है ना, हाँ जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, उसके पास थे 45 माइनस x, याद करो लैड जब किया था, तो 45 में से कितना घटा दोगे 36, कितना बचेगा 9,
अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होंगे, अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितने होंगे फिर से, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 9, 36 कंचे। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। एक कोटेज इंडस्ट्री है जो बनाती है, क्या बनाती है, कुछ खिलौने बनाती है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कीमत बनाने की, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में जितने खिलौने बन रहे हैं। तो आप पहले एक काम करो, कंफ्यूज हो जाओगे, लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, प्रोड्यूस इन अ, एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, तो आप मान लो एक्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं एक्स। अब देखो यहां तक मैंने इतना लेट कर लिया, बोला क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय को बनाने की कीमत वो कितनी है, वाज फाउंड 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, उस दिन जितने खिलौने बने हैं उसे ही माइनस करना है। तो यहां लिखोगे आप कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर टॉय की कीमत क्या होगी, 55 माइनस, ठीक है, 55 माइनस, और देखो क्या बोला, 55 माइनस क्या करना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं, यही तो बनते हैं एक्स, 55 माइनस एक्स रुपीज होगा। ठीक, अब आप एक बार बताओ अगर एक दिन में आप 10 खिलौने बनाते हैं और एक खिलौना मान लो 2 रुपए का है, तो पूरे खिलौने की कीमत कितनी होगी 10 के 10 की, आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 20 रुपए, तभी तो क्या आएगा टोटल आ जाएगा कॉस्ट। एक दिन में 10 खिलौने बनाते हो और एक खिलौने की कीमत अगर 2 रुपए है तो 10 × 2 क्या होगा, 20, तो ये 20 क्या है, एक दिन में जितने भी खिलौने बने उनकी पूरी मिलाई कीमत कितनी आई, कॉस्ट कितनी आई। तो यहां पर आगे यही बोला गया, ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना पाया गया, 750। तो ये कैसे आएगा, जब टॉयज की और एक टॉय की कीमत की दोनों की इंटू करेंगे तब जाके आएगा। ठीक है, तो हमको यही करना है, तो आप लिखोगे यहां पे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है मेरी, वो है 750 रुपीज, वो कैसे बनेगी, एक्स की इंटू किस में, 55 माइनस एक्स में। अब आप इंटू करो इसकी इसमें करिए तो क्या होगा, 55 एक्स, और जब x की x में करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। अब 750 को लिया इधर तो क्या हो जाएगा, 55x माइनस x स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0। इस पूरे में कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि x के साथ x स्क्वायर का साइन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर ये प्लस का आएगा। देखो माइनस से जैसे ही आप इंटू करोगे, पहले इंटू करके दिखा देता हूं नेगेटिव से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, बोलो ठीक है। अब इसे अरेंज करो थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले, ये वाली पीछे और ये वाली तो पीछे है ही, बोलो ठीक। अब आपको करने इसके फैक्टर्स, क्या करने हैं, अब फैक्टर्स पता कैसे करोगे, देखो आपको यहां पे कुछ नहीं तो बने, यहां तो सही है, आपको मल्टीप्लाई करके लाना है, आपको माइंड में सोचना है कि मल्टीप्लाई करके लाना है 750, जो कॉन्स्टेंट टर्म होते वो लाना होता है। अगर यहाँ कोई इंटू, यहाँ कोई नंबर होता तो उसकी भी इंटू करते इसमें, तब देखते कि इंटू करके ये लाना है, क्योंकि 750 के बन में करोगे तो क्या आएगा, 750 आएगा। ये सब रफ चल रहा है नीचे, और यहाँ पे देखो साइन किया प्लस का, प्लस करके कितना लाना है, प्लस करके लाना है आपको कितना, 55। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दो नंबर ऐसे ढूंढने, अगर मैं उनकी इंटू करूं तो 750 आ जाए, और उन दोनों को ऐड करूं तो कितना आ जाए, 55 आ जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं 750 का निकालूंगा एलसीएम, निकालो 375 फिर काटो दो से, कितना आएगा, दो से नहीं कटेगा, अभी तीन से कट जाएगा ना, तीन से काट दो, 3 × 3 = 6 × 3 = 15 फिर काटो किससे कटेगा, 5 से काट दो, चलो तीन से अब नहीं कटेगा ना, हाँ 525 5 और 5 बन जा। अब देखो इन सब नंबरों के अगर आप इंटू करते हो, बाहर जो फैक्टर आए इनके प्राइम फैक्टर्स, इनके इंटू करोगे तो इंटू करके 750 आएगा, क्योंकि उसी के फैक्टर्स हैं। तो आपको इनसे कॉम्बिनेशन बनाओ कि प्लस करके कितना आ जाए, 55। तो इनके आपस में इंटू कर लो, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा 55 चाहिए ना, अच्छा ये रहा देखो दिख गया, इनकी इंटू करना जरा 2 × 3 = 6 × 6 = 30 हो गया,
और 5 जा 25, दोनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा 55, और दोनों की इंटू करोगे तो 750 आएगा। तो आप क्या करोगे, इसे यहां पे कर दोगे मिडिल टर्म स्प्लिट 30+25 लिख दोगे यहां पे, बोलो ठीक है। अब इधर से माइनस के इंटू, इधर से एक्स के इंटू, माइनस 30x, देखो प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस, और इधर से एक्स करोगे तो एक्स आएगा और यहां भी एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है बताना, सिर्फ एक्स कॉमन है, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, आपको अगर समझ में ना आए क्या कॉमन है तो आप ये सोच लो दिमाग में, ये जो ब्रैकेट यहां बना है यही ब्रैकेट यहां बनने वाला है अंदर, ठीक। अब देखो यहां पे एक्स है, एक्स है, मगर यहां फालतू क्या है 25, ये कॉमन आने वाला है यानी कि, और देखो यहां प्लस है या माइनस है तो मैं माइनस कॉमन लेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, और प्लस माइनस माइनस, और 25 जैसे तुम इसमें से कॉमन लोगे, देखो आपने 25 5 × 5 कॉमन ले लिया यानी कि, तो क्या बचेगा 5 × 15 = 30 बचेगा, देख लो ठीक। अब इसके बाद मैं कर देता हूं इधर, तो देखो इसके बाद ये देखो पूरा ब्रैकेट कॉमन नहीं आ रहा इन दोनों टर्मों में से, तो अंदर बचेगा x माइनस 25, एक्स माइनस 30 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा x माइनस 25, देख लो इधर ये पूरा ब्रैकेट ये वाला और ये वाला कॉमन आ गया तो क्या बचा x माइनस 25। अब एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, अगर मैं इसको जीरो लूंगा तो x कितना आ जाएगा 30, अगर मैं इसको जीरो लूंगा तो x कितना आ जाएगा 25। तो एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, या तो 30 बन रहे हैं या 25 बन रहे, दोनों आंसर ठीक है। और लास्ट में क्या बोला है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, फाइंड आउट करना, तो आ गया या तो 30 खिलौने बनेंगे या फिर 25 ठीक है। तो हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया एग्जांपल नंबर फर्स्ट का। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।